they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. हेलो गाइस, आगे हम नई वीडियो लेकर और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि आपको मैं खुफिया सेटिंग बताऊंगा पबजी के बारे में, जो मैक्सिमम प्लेयर्स को तो पता भी नहीं है कि वो खुफिया सेटिंग है क्या, और जो जो न्यू यूज़र होते हैं उनको तो पता ही नहीं है इसके बारे में कतई। मैंने इसके बारे में बहुत ही मतलब वन मंथ तक मैंने इसके बारे में बहुत ही काम किया है, इस खुफिया सेटिंग के बारे में अप्लाई किया है, फिर आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। सो अगर आप चाहते हो कि आपको भी ये खुफिया सेटिंग के बारे में पता लगे तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपको आधी अधूरी सेटिंग्स के बारे में पता लगेगा और फिर मुझे मत बोलना कि यार नहीं, इस सेटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क तभी पड़ता है यार दोस्त, अगर आप पूरा टाइम दोगे, अगर आप भी टाइम पास के लिए थोड़ी सी वीडियो देखोगे और उसके बाद वापस चले जाओगे तो आपको भी इस गेम की सेटिंग्स के बारे में आधा ही अधूरा पता लगेगा और फिर आपकी गेम प्ले में उसका फर्क पड़ता है। सो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तो मैं आपको बेसिकली उस टिप्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो वो खुफिया ट्रिक्स है, आपकी बेसिक सेटिंग में जाना है आपको, जो ये आपका ब्लॉक साइड वार्निंग है वो आपका इनेबल रहता है, मैक्सिमम प्लेयर्स का ब्लॉक साइड वार्निंग इनेबल रहता है। सो अगर आपका इनेबल रहता है तो आपका ऐसा होता है, देखिए जैसे मैं टीपी पे ले रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको सर्कल और क्रॉस, मतलब आपका ऐसा रहता है जब आप कहीं टीपी पे ले रहे होते हो। जैसे मैं इस वॉल के पीछे टीपी पे ले रहा हूँ, बंदा आ गया तो मेरे ऐसे रहेगा, तो अगर बंदा आएगा तो मेरे को हेड पे, मैं उसके मतलब एकदम से एम को एडजस्ट नहीं कर सकता, मतलब इसके हिसाब से हेड पे एम एडजस्ट नहीं हो सकता। सो अगर मैं इस सेटिंग को डिसेबल कर देता हूँ तो आप देखिए ये मेरे को क्रॉस एयर पूरा दिख रहा है ना, पूरा क्रॉस एयर दिखेगा, आप दीवार में पूरा चिपक जाओ फिर भी आपको पूरा क्रॉस एयर दिखेगा, और जैसे बंदा परे से आ रहा है तो आप अपने एम को एडजस्ट कर सकते हो बंदे की तरफ, क्यों पूरा क्रॉस एयर दिख रहा है और बंदे को आएगा, बंदे की तरफ हेड की तरफ आप एडजस्ट कर सकते हो। सो ये तो रही ये खुफिया ट्रिक्स के बारे में कि आपको करना क्या है। सो मैं आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो पहले एडवांटेज की तरफ गौर करते हैं कि इस खुफिया सेटिंग के एडवांटेज ये है कि जैसे एक तो हो गया कि आप एम एडजस्ट कर सकते हो, जैसे टीपीपी ले रहे होते हो सामने से बंदे आए तो आप हेड की तरफ एम एडजस्ट करके उसकी तरफ जा सकते हो पहले ही, जैसे ये अंदाजा से लेके कि बंदा यहाँ से आ रहा है, इसका हेड ये है तो मैं यहाँ पे मारूंगा, तो आपको एम एडजस्ट करने में बहुत ही इससे सहायता मिलेगी। तो पहला तो हो गया एम एडजस्ट, दूसरा इससे आपकी स्नाइपिंग में भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि आप पहले जैसे कहीं पे भी मान लो छुपे हुए हो, जैसे ये सामने बंदे हैं तो आप यहीं से ही उसकी तरफ एम मतलब अंदाजा सा गाइड ले सकते हो, जैसे एम का ये पेल दिया बंदा ऐसे, मतलब आपको एम पहले से ट्रैक करने में बहुत हानि होगी। जैसे मैं कहीं भी टीपीपी ले रहा हूँ, जैसे ये देखिए मैं यहाँ टीपीपी ले रहा हूँ और बंदा सामने है, मान लो ये जो सामने बंदा है तो मैं यहीं से ही देख लो एम एडजस्ट कर पा रहा हूँ पूरा, यहाँ बंदा ये देखिए पूरा यहीं से ही एम एडजस्ट कर दूंगा मैं, ये देखिए। और जब आप उसी सेटिंग पे खेलते हो जिस पे पहले खेलते हो इनेबल, तो आप नहीं कर पा रहे हो, देखिए आपके पास क्रॉस आ रहा है ये, इससे क्या है एम एडजस्ट करोगे आप। सो अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो देखिए एम एडजस्ट करने में बहुत आसानी होती है, और असल्टिंग के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक है एम एडजस्ट करने के लिए, 6x स्प्रे मारनी हो आपको ये देखिए, तो आप मतलब पहले से ही एम को एडजस्ट कर सकते हो। ये एम गाइड के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जिससे आपकी एम गाइड बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। सो ये तो रहे इसके एडवांटेज, अब एक आधा डिसएडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज यही है कि आपको चिपक के फायर नहीं करनी है, जैसे आपको बंदा दिख भी जाता है, जैसे ये बंदा दिख गया आपको तो आपको ऐसा करना है कि चिपक के फायर नहीं करनी है, जैसे बंदे करने लग जाते हैं देखिए ऐसा होएगा, ग्लिच होएगा, क्योंकि चिपक कर अगर आप फायर करोगे ब्लॉक के साथ तो आपकी ऐसा होगा, थोड़ा स्पेस बना के आपको फायर करनी होगी यूं कवर के पास से ये ऐसे, मतलब आपको चिपकना नहीं है इस गेम में, मतलब थोड़ा सा आपको स्पेस बनाकर फायर करनी है, मतलब जैसे ये आपने अंदाजा लगा लिया ये पेल दिया तो ऐसे, तो मतलब थोड़ा सा आपको स्पेस बनाकर ही फायर करनी है। सो
क्लोज करते हैं वीडियो को यार, बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपके लिए, आप अप्लाई करो, 10-15 दिन खेलो, आपको बहुत ही इसका फ़र्क मिलेगा क्रोज रेंज की बैटल में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। Growing up ain't easy, too many things to do weekly, too many thoughts to think deeply, too many thoughts to be sleeping, yeah, oh my god I'm not eating, I feel so empty, I'm receiving.